खुर्जा पुलिस ने एक महीने बाद सुमित हत्याकांड का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक महीने पहले 11/6/2021 की रात्रि को पंचवटी के पास सुमित गुप्ता की गोली लगा हुआ सब मिला था, जिसके वजह से पुलिस हत्याकांड का खुलासा करने में लगी थी। अधिवक्ताओं ने भी मामले को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान पता लगा कि हत्यारोपी की बेटी पर मृतक देवर बुरी नीयत रखता था और 3 लाख रुपए को लेकर वेदप्र का पुत्र गणपत ने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्यारोपी से एक तमंचा भी बरामद किया जिससे हत्या की गई थी। आप ये खबर UMS न्यूज पर देख रहे हैं। खबर को शेयर और सब्सक्राइब करिए। सुनिए बुलेंसर कप्तान ने क्या कहा। दिनांक 11 जून को शाम को लगभग 8:15 बजे के आसपास पंचवटी बॉम्बे के पास सुमित गुप्ता नाम के कथित वर्ष है और LLB पास करने के बाद जो यदा कदा कचहरी अपने पिता के साथ जाता था, क्योंकि उसके फादर अशोक गुप्ता भी एक वकील हैं और इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉम्बे पर हत्या की गई थी और लगातार हमारी कई टीमें इस पर बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रयास कर रही थी, कोई भी नहीं निकल रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्य और सुरागसी पतारसी से घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें कहानी निकल के आई है कि जो मृतक है उसका अपनी सगी भाभी से जबरन अवैध संबंध इसने बना लिए थे, जिसकी शिकायत वो अपने पिता से करती थी और इसके साथ ही साथ इसकी भाभी ने 3 लाख रुपए इस लड़के से जो इसके पिता के पैसे थे अपने पिता से दिलवाया था, तो पैसे न देने पड़े और बार बार ये लगातार अवैध संबंधों को लेकर के इसका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करता था। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो इसकी सगी भाभी है उसके पिता के द्वारा ये घटना की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेद प्रकाश नाम है जो उसी कस्बे में ही खुर्जा नगर कस्बे में रहते हैं और इसकी भाभी के पिता, उनके द्वारा भी घटना की स्वीकारोक्ति की गई है। दिन के समय ही इनके स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि शाम को मिलेंगे और मुझे कहीं से पैसे मिलने वाला है, तुम्हारे पैसे वापस करूँगा। इस लालच में ये मृतक सुमित बॉम्बे की तरफ चला गया, वहाँ अंधेरा था और कोई आसपास उधर से गुजरने वाला भी नहीं था, तो वहीं पर इसकी तमंचे से गोली मार करके हत्या की घटना की गई थी। फिलहाल अभियोग का अनावरण कर लिया गया है, अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।